डिजाइन नेहा, वेलकम बैक टू स्वराज ब्लॉगिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, बट जब से लास्ट ईयर कोरोना लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ऑलमोस्ट हम बाहर ज़्यादा निकले ही नहीं। जो सिलवासा के कुछ ब्लॉग मैंने पोस्ट किए थे वो भी हम कुछ ऐसे काम से गए थे जिसको हम डिले नहीं कर सकते थे, और अभी भी काफ़ी टाइम बुरा लगता है कि मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। स्पेशली अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा यूट्यूब से 5th पेमेंट आया, तब मुझे इतना बुरा लगा कि जो वीडियो मेरे बहुत पहले के अपलोड किए हुए हैं उससे मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है और मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी अभी भी मैं सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दूंगी। तो आज मैं वडोदरा से सूरत जा रही हूँ। सूरत में मेरे मम्मी और मेरे भाई और भाभी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा पर्सनल ब्लॉग बनाया जाए। और मैं सुपर नर्वस हूँ क्योंकि मैंने अभी तक मेरे चैनल पे कोई भी पर्सनल ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगेगा। एंड माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरा पहला पर्सनल ब्लॉग है, तो आई डोंट नो कैसा बनेगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एंड आई रियली मिस ब्लॉगिंग फ्रॉम सो मैनी डेज। तो चलिए आज मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ झलक दिखाती हूँ। तो अभी मैं हाईवे पे हूँ, हम ऑलमोस्ट भरूच के थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी एक या डेढ़ घंटे में हम लोग सूरत पहुँच जाएंगे। और सूरत जाने की इस बार मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि मेरे भाई और भाभी को 10 साल के बाद ट्विंस हुए हैं। अभी हम लोग स्वीटर पे खड़े हैं, अभी भी सूरत जाने के लिए स्टॉप हमारा होता है। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, मैं आपको दिखा दी हमने क्या क्या लिया। हमने इतने सारे चॉकलेट्स लिए अलग अलग, चॉकलेट विथ रेजिन्स, चॉकलेट विथ नट्स एंड रेजिन, और ये तो हमने पहले काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है, पर इस बार हमने उनका एक नया हेजलनट कोको स्प्रेड ये हमने लिया है, इस बार ये भी ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग सूरत पहुंच गए हैं। मैं अभी मेरी भाभी के मम्मी के घर पे हूँ क्योंकि वो डिलीवरी के लिए यहाँ आए थे, सो वेरी एक्साइटेड टू मीट देम। जय श्री कृष्णा। इसका नाम ऋग्वेद है और ये है रुद्रा। अभी वो 2 महीने के हुए आज। रॉडे छिलों थोड़ू अलग थी। रुद्रा
ओके गाइस, तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। मैं जनरली उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ जिसको पर्सनल लाइफ शेयर करना इतना अच्छा लगता है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलिए थोड़े पर्सनल ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे पता है कि इतना अप टू द मार्क नहीं होगा, बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। ये ब्लॉग मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैंने आपको मोमेंट्स दिखाए उसके लिए हमारी पूरी फैमिली पिछले 10 साल से वेट कर रही थी। और मेरे जो भाभी है, रियली हैट्स ऑफ टू हर, वो बहुत सारी ट्रीटमेंट से पार हुए और 10 साल उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहे। एंड फाइनली हमें न्यूज़ मिली कि 2 ट्विंस आने वाले हैं हमारी फैमिली में। और जब उनका बॉर्न हुआ, बॉय एंड गर्ल, तो हम सब लोग बहुत खुश हो गए। और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मैंने मेरी लाइफ के जो प्रीशियस मोमेंट थे वो आपके साथ शेयर किए। जैसे मैंने आपको बताया, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही एक अगले व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।